तो आज मैं आपके साथ पाइनएप्पल चॉकलेट बाइट की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। इसको बनाने के लिए मैंने एक पाइनएप्पल लिया हुआ था, उसको मैंने छील लिया है और इसके मैं इस तरीके से पीसीज में इसको कट कर लूँगी। तो थोड़े से मोटे मोटे पीसीज हम इसमें कट करेंगे। तो इसको मैंने तिकोने शेप में इस तरीके से कट कर लिया है। तो यहाँ पर मैं इसमें डार्क चॉकलेट का यूज़ कर रही हूँ, आप चाहें अपनी पसंद की कोई भी चॉकलेट इसमें यूज़ कर सकते हैं। तो चॉकलेट को मैंने इस तरीके से बारीक बारीक कट कर लिया है, इसको एक बाउल में ट्रांसफर करेंगे और चॉकलेट को मेल्ट कर लेंगे। आप चाहे तो इसको माइक्रोवेव में भी मेल्ट कर सकते हैं या फिर आप इसको डबल बॉयलर में इस तरीके से भी मेल्ट कर सकते हैं। तो मैंने इसको माइक्रोवेव में मेल्ट कर लिया है चॉकलेट को। तो मैंने एक टूथपिक ली है और इसको पाइनएप्पल के इस पीस को मैंने इसमें इंसर्ट कर दिया है और सेंटर में आप इसको बीच में इसके डाल दें और इसके कॉर्नर पर इस तरीके से हम चॉकलेट को अप्लाई करेंगे। चॉकलेट में आप इसको डिप भी कर सकते हैं या फिर आप इसको इस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। और ये पाइनएप्पल बाइट खट्टी मीठी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है, बच्चों से लेकर बड़ों को सभी को बहुत ही ज़्यादा पसंद आती है। बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, इसको बनाना ईजी है। तो आप इसे किसी भी बर्थडे पार्टी के लिए बना सकते हैं। तो इस तरीके से चॉकलेट में डीप करके मैंने इसको प्लेट में अरेंज किया है और ये कुछ देर बाद ड्राई हो जाएंगे, चॉकलेट अच्छे से सूख जाएगी। मैंने इसके ऊपर गार्निशिंग में सिल्वर बॉयल्स यूज किया है। आप चाहे तो इसमें अपनी पसंद की कोई भी स्प्रिंकल कर सकते हैं और देख सकते हैं ये अच्छे से ड्राई हो चुकी है और लग रहे हैं ना लाजवाब, बहुत ही ज्यादा बढ़िया बनकर तैयार होते हैं। देखने में भी बहुत ही ज्यादा सुंदर लगते हैं, अट्रैक्टिव से लगते हैं, बच्चों को तो ये बहुत ही ज्यादा पसंद आने वाले हैं और बनाना बहुत ही ज्यादा इजी है। तो आप इस रेसिपी को जरूर ट्राई करें। आई होप आज की वीडियो आप सभी को पसंद आएगी। थैंक यू।